टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने का सबसे कारगर तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। जो लोग किसी भी जरूरी काम से बाजार में खरीदारी करने निकलते हैं, वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यह जरूरी है। जिला पुलिस के प्रयास से चाईबासा मुख्यालय से लेकर गांव तक की किराना दुकानों और मेडिकल स्टोर में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन सब्जी बाजारों में बेतरतीब भीड़ हो रही थी, जिसे पुलिस ने दुरुस्त करने का काम किया है। चाईबासा में दिन में मंगला हाट में और शाम को मधु बाजार में सब्जी की बिक्री होती है, जहां लोग बेतरतीब ढंग से सब्जी खरीदते नजर आते हैं। लेकिन आज से यह व्यवस्था बदल गई है। चाईबासा के गांधी मैदान में सब्जी बाजार आज से लगना शुरू हुआ है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक अलगाव का पूरी तरह से पालन हो रहा है। यह तस्वीरें एक सकारात्मक संदेश देती हैं। इससे यह पता चलता है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे देश की जनता के साथ साथ पुलिस और प्रशासन किस कदर तत्पर है। SDPO चाईबासा अमर कुमार पांडे ने बताया कि चाईबासा शहर में दो जगहों पर, एक गांधी मैदान और दूसरा SPG मिशन मैदान में सब्जी बाजार लगाने की व्यवस्था कराई गई है, ताकि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके और कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। आपका सहयोग जिला प्रशासन को बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आप लोग सब लोग जो सब्जी खरीदने भी आ रहे हैं और जितने लोगों ने यहाँ पे काउंटर लगाया है, सब सब्जी वाले से अनुरोध है कि कल से मास्क लगा के आए, अन्यथा आपको परिसर में एंट्री नहीं दिया जाएगा। कोरोना वायरस से जो जनित महामारी है, उससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एक महत्वपूर्ण पहलू है और बचाव का एकमात्र उपाय है भारतवर्ष में। इसी को ध्यान में रखते हुए एक ओपन स्पेस में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ सब्जी बाजार की व्यवस्था की गई है, और जो मंगला हाट में सब्जी की दुकानें लगती हैं वो बड़े ही बेतरतीब ढंग से लगती हैं, या फिर मधु बाजार में जो सब्जी की दुकानें लगती हैं वो भी बेतरतीब ढंग से लगती हैं। तो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों के द्वारा, जिसमें एक गांधी मैदान है और दूसरा SPG मिशन स्कूल कंपाउंड है, आज से गांधी मैदान में व्यवस्था प्रारंभ की गई है और कल से SPG मिशन में भी पूर्ण रूप से प्रारंभ की जाएगी। और हम लोगों के द्वारा जो है दुकानदारों से और ग्राहकों से अपील की जा रही है, डिस्टेंस मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखें और अनावश्यक भीड़ नहीं लगाते हुए सब्जी खरीदें। हम लोगों ने और अन्य जगहों पर भी जो सब्जी मार्केट्स हमारा है, उन सभी सब्जी मार्केट से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी लोग सब्जियां खरीद सकें। इसके लिए टेंट बम्बू का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि सब्जी का दुकानदार भी सेफ है और कंज्यूमर भी सेफ है। और अन्य जगहों पर भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जहाँ जहाँ ऐसे बाजार लगते हैं उन सभी बाजारों को एकदम तत्काल स्थगित नहीं किया जाए, बंद नहीं किया जाए, किंतु सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला लगाया जाए, ताकि जिनको चाहिए वो ले भी सकें और जो गरीब लोग बेचने आते हैं वो बेच सकें। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने किसी भी समस्या या आवश्यक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 और 100 पर डायल कर संपर्क करने की अपील की है। उपायुक्त ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि संपूर्ण तालाबंदी के दौरान कोई भी समस्याएं आती है तो टोल फ्री नंबर 1950 और 100 पर डायल कर संपर्क करें। यदि किसी को भी किराना, खाद्यान्न, दूध, सब्जी, फल, गैस, ब्रेड से संबंधित समस्या हो या किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव दर्ज करना हो, तो इसके लिए 24 घंटे पदाधिकारी और कर्मी अलग अलग समय में आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। आपकी शिकायत पर संबंधित पदाधिकारी समस्या का समाधान करेंगे। इसी तरह डायल 100 जो पुलिस विभाग से संबंधित है, इस पर भी संपर्क कर आवश्यक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी गणमान्य नागरिकों से मेरा अपील है कि कोई भी समस्या लॉकडाउन के दौरान आपको आता है, चाहे वो कोई ग्रोसरी या राशन के संबंध में हो, या किसी और अन्य आवश्यक जानकारी लेने के संबंध में हो, या किसी और शिकायत दर्ज करने के संबंध में हो, कृपया आप 1950 पे कृपया फ़ोन करें। वहाँ हम लोग के स्टाफ और पदाधिकारी लगातार 24
घंटा काम कर रहे हैं विभिन्न शिफ्टों में, और जो जो समस्याएं हैं, जो जानकारी आप मांगते हैं उसके संबंधित सभी कागजात उनके पास अवेलेबल हैं। अगर कोई आपको कोई समस्या भी आता है, संबंधित पदाधिकारी से संपर्क करके उनका फ़ोन नंबर आपका अवेलेबल कराएंगे, या कोई समस्या भी है उसका समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। इसी तरह डायल 100 जो पुलिस डिपार्टमेंट संबंधित है, कोई भी अत्यावश्यक सेवा अगर आपको ज़रूरत है तो 100 पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, जितने भी लैंडलाइन फ़ोन है सरकार का या पदाधिकारी का, कृपया 1950 या 100 पे आप लोग डायल करें, ताकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से आपको आवश्यक जानकारी भी मिलेगा और आवश्यक सेवाएँ भी आप तक पहुँचेंगी। लॉकडाउन के दौरान लोगों को गैस सिलेंडर के लिए दौड़ना नहीं पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा गैस एजेंसियों का नाम और संपर्क नंबर जारी किया गया है। लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ता गैस एजेंसी से संपर्क कर होम डिलीवरी करा सकेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में पुलिस और होमगार्ड्स के जवान बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ड्यूटी में व्यस्त इन जवानों को भी खाने पीने की असुविधा हो रही है। उनकी मदद के लिए चैबासा के सामाजिक और व्यापारिक संगठन सामने आए हैं। मारवाड़ी युवा मंच और पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आज पुलिस जवानों और होमगार्ड्स के बीच स्नैक्स और पानी की बोतल बांटते नजर आए। यह जरूरी है कि जो लोग इमरजेंसी ड्यूटी में हैं, उनकी जैसे भी हो थोड़ी मदद हो। पूर्ण लॉकडाउन के कारण शहर में फंसे ट्रक चालक, खलासी, मजदूर और आम लोगों के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से दाल भात केंद्र में निशुल्क भोजन कराने की व्यवस्था की गई है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में संचालित 21 दाल भात केंद्र के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से निशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने का निर्देश जिला आपूर्ति कार्यालय को दिया गया है। 21 दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त सदर अनुमंडल कार्यालय के पास पुराने समाहरण नाले में भी निःशुल्क दाल भात केंद्र की सुविधा उपलब्ध होगी। भोजन के लिए दाल भात केंद्रों में जाने वाले सभी व्यक्तियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने बर्तन लेकर जाएंगे और खाना लेकर वापस अपने पूर्व के स्थान पर आ जाएंगे। जिले में सदर प्रखंड, बस स्टैंड, चक्रधरपुर प्रखंड परिसर, भारत भवन चक्रधरपुर, नौमंदी बाजार टांड, खुटपानी प्रखंड कार्यालय, तातनगर प्रखंड कार्यालय, मंझारी प्रखंड कार्यालय, जोड़ा पोखर चौक, टोंटो प्रखंड, हाटगमरिया स्वास्थ्य केंद्र, कुमारडुंगी चौक, ढिपासाई, मचगांव प्रखंड कार्यालय, जगन्नाथपुर बस स्टैंड, मनोहरपुर अस्पताल, गोलकेरा बाजार, सोनुआ बाजार, आनंदपुर बाजार, गुदड़ी बाजार और बनगांव बाजार में दाल भात केंद्र योजना चल रहा है। इन केंद्रों में कोई भी व्यक्ति निःशुल्क भोजन कर सकता है। अभी इस जिला में 21 दाल भात केंद्र अभी चालू है, इसके बारे में भी सूचना, आम सूचना भी सभी को दिया गया है। और अभी इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 20 और दाल भात केंद्र खोलने की योजना हम लोग बनाए हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ माइग्रेंट लेबर रहते हैं, रिक्शा पुलर्स रहते हैं, बेघर व्यक्ति रहते हैं, तो वैसे व्यक्तियों के लिए हम लोग ये विशेषकर दाल भात केंद्र यूज़ करेंगे। और अभी जिला में उपलब्ध राशि माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, सभी लोग अपना अपना फंड से भी जिला कोष में राशि दिए हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसके साथ साथ एसडीआरएफ से भी हम लोग राशि प्राप्त सब यूज़ करते हैं। दाल भात केंद्र में बिना कोई राशि का अभी खाना खिलाने के इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अनुरोध रहेगा वैसे ही लोग इसका फ़ायदा लें। जो अपने घर में चूल्हा नहीं हो, अकेले रहते हो, अगर कोई गैस की व्यवस्था नहीं है वैसा परिस्थिति में, या कोई स्टाव में तेल की व्यवस्था नहीं है, तो वैसे लोग इससे किस इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अफोर्ड कर सकता है, जो अपने घर में खाना पका सकते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को बाहर आके दाल भात केंद्र में नहीं आए, अपने घर में ही खाना बनाएं, दूरी बना के रखें, घर से कम बाहर निकलने की कोशिश करें। परंतु ऐसे माइग्रेंट लेबर होंगे, रिक्शा पुलर्स होंगे, वैसे व्यक्ति जिनका कोई घर नहीं है, एक ही घर में 3-4 व्यक्ति अगर रह रहे हैं, कोई चूल्हा नहीं है, वैसे व्यक्तियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि दाल भात केंद्र का आप उपयोग लें। और चक्रधरपुर और छायवासा में विशेषकर हम ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सेंटर खोलने वाला है, ताकि पूरे लॉकडाउन के किसी को भूख की स्थिति। तो अभी हम लोग छायवासा में कोशिश कर रहे हैं, छायवासा, चक्रधरपुर और अदर टाउन एरिया जैसे नौमुंडी, मनोहरपुर, कि दाल भात केंद्र तो मुफ्त कर ही दिए। कोशिश है कि जो बाहर से आए हुए मजदूर जो ट्रैप हो गए हैं,
या ऐसा घर जिसके पास सच में राशन बिल्कुल नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, कई लोग छूटे हुए हैं, वैसे सब लोग मुफ्त में खाना खा सकें। और साथ ही साथ हम लोग पैकेट्स बनवा रहे हैं कुछ CSR के तहत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कुछ उनका ग्रुप और अदर छोटे छोटे संस्था भी इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन उसको बड़े स्केल पर चाईबासा, चकरधरपुर, मनोहरपुर, नौमंडी में एक पैकेट जिसमें बेसिक सामग्री चावल, दाल, आलू, प्याज, नमक ये सब होगा, और सभी को हम लोग कोशिश करेंगे कि घर घर जाके वैसे घरों को जो लोग एकदम निर्धन हैं, जिनको खाने की दिक्कत हो रही है, उन लोगों को हम लोग दे सकें। ये सब पहल हम लोग जिला के विभिन्न राशियों से कर रहे हैं, चाहे SDRF हो, चाहे MLA लाइन हो, MLA लाइन। चाईबासा और चक्रधरपुर के शहरी क्षेत्र में आपदा मित्र लोगों के घरों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाएंगे। जिला प्रशासन की पहल पर इस कार्य के लिए 50 से ज्यादा युवा सामने आए हैं। होम डिलीवरी के लिए चाईबासा शहर को अलग अलग जोन में विभाजित किया गया है। आवश्यक सामग्री के ऑर्डर को लेने के लिए समाहर नाले में होम डिलीवरी कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग जारी नंबर पर संबंधित क्षेत्र के व्यक्ति टेलीफोन करके अपनी सामग्री की सूची उपलब्ध करवा सकते हैं। सब्जी ऑर्डर देने के 24 घंटे के अंदर आपदा मित्र बिना किसी डिलीवरी चार्ज के राशन आपके घर तक उपलब्ध करवाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि लोगों द्वारा केवल आवश्यक सामग्री जैसे दाल, चावल, दवाइयाँ आदि का ही ऑर्डर लिया जाएगा, इसलिए लग्जरी आइटम और फास्ट फूड, आइसक्रीम आदि के लिए लोग ऑर्डर ना करें। चाईबासा और चक्रधरपुर टाउन्स में आपदा मित्र के माध्यम से सभी जनों तक राशन या कोई ग्रोसरीज के संबंधित या फल सब्जी को पहुंचाने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था किया है। अच्छे संख्या में युवा मित्र सभी आपदा मित्र के रूप में काम करने के लिए टर्न अप किए हैं। उनको प्रशिक्षण भी दिया गया, आवश्यक प्रोटेक्टिव गियर भी उनको दिया गया है, और इनके 10 नंबर पर पूरे एरिया को हम लोग डिवाइड किए हैं। जिस जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ उस क्षेत्र का नाम देखकर जो संबंधित फ़ोन नंबर है उस पर फ़ोन करके आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे आपदा मित्र आपके घर तक पहुंचाएंगे। उम्मीद होगा कि ये सेवा प्रदान करने के बाद आप लोगों के द्वारा यथासंभव बाहर आने का जरूरत नहीं पड़े, और इसी तरह की व्यवस्था चक्रधरपुर में भी लागू की गई है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सेवा का उपयोग जरूर लें, या अगर आप सीधा दुकानदार से बात करते हुए प्रायोरिटी पे और जल्दी अगर सामान अन्य जिलों ने भी किया है, हम लोगों ने भी कोशिश पहले यही रखी थी कि दुकानदार जितने हैं जो होम डिलीवरी कर सकते हैं उन सभी का नंबर लेके हम लोग सूचना पत्र दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आम जनों को, पर लगातार यही शिकायत आ रही थी कि दुकानदार सप्लाई नहीं कर रहा है, और ये सभी जिलों में है क्योंकि उनके पास अपना भी मशीनरी कम है, स्टाफ कम है। तो हम लोगों ने एक नई पहल की है कि हम लोग एक मशीनरी तैयार कर रहे हैं, जिला लेवल पर 10 कोऑर्डिनेटर पूरे चाईबासा शहर को 10 भाग में और चक्रधरपुर शहर को 10 भाग में बांटा गया है, और 10 भाग के लिए एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया, वो जिला प्रशासन के कर्मी हैं, और एक ऐसे कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत एक टोटो चालक के साथ टोटो और 3-4 वॉलंटियर उसी क्षेत्र के जो उस जगह के एक एक घर को समझते हैं, जानते हैं, उसी क्षेत्र के 3-4 वॉलंटियर्स को हम लोग एनरोल किए ताकि किसी को अगर राशन, दवाइयाँ, गैस, पेट्रोल ये सब की ज़रूरत है ये लोग फ़ोन कर सकें सीधा इन 5 में से किसी को भी, कोऑर्डिनेटर हो, टोटो चालक हो या वॉलंटियर हो, क्योंकि ये वॉलंटियर लोकल हैं, ये लोग समझ सकते हैं कौन सा घर है, यहाँ पर घर का कोई नंबर नहीं होता है, उनको समझदारी होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग लोकल लोगों को रखे हैं, तो वो लोग तुरंत पकड़ लेंगे और सूची बनाकर सामान खरीद कर वहाँ दुकान से उनके घर तक पहुँचा देंगे। तो हम लोग ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग इसके लिए कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं रखें, जो भी मानदेय होगा जिला प्रशासन उसके लिए वहन करेगा, चाहे वो टोटो का खर्च हो, चाहे वो वॉलंटियर का खर्च हो। कोशिश यही है कि लोग अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। दुकानदारों से भी यही कोशिश है कि आप लोग भी अगर कुछ पासेस इशू हुए हैं तो उसका भी मिसयूज़ ना करें और ना ही और पासेस की अपेक्षा करें। लॉकडाउन मतलब प्रॉपर लॉकडाउन हम लोग उन्हीं लोगों को अलाउ करेंगे जो लोग इस कार्य के लिए नियमित हैं, एसेंशियल सर्विसेज बाधा नहीं हो, किंतु लॉकडाउन का जो मकसद है वो भी पूरा होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।